हेलो बच्चों, आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, उसको डिफाइन किया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, और लेक्चर नंबर 3 और 4 में मैंने रेट कॉन्स्टेंट की बात करी थी। तो जिन लोगों ने पीछे के लेक्चर नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, वो लोग देखेंगे तो आगे के लेक्चर और अच्छी तरीके से उन्हें समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अपने हाथ के बने हुए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर ऑपरेशन। क्या है जीरो ऑर्डर ऑपरेशन? बहुत सिंपल, यानी कोई रिएक्शन है जिसका रेट किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। यानी अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ना हो, तो हम उसे जीरो ऑर्डर ऑपरेशन बोलेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम इसे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करने पर रिएक्शन रेट चेंज ना हो, हम उसे जीरो ऑर्डर ऑपरेशन। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है फोटो केमिकल रिएक्शन। ये कौन रिएक्शन होती है? वो रिएक्शन होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। जो सनलाइट के प्रेजेंस में होंगी, हम उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, ज्यादातर जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगी वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही होती है। क्यों? जरा देखिए, उसका रीजन आपको समझा देता हूं। जैसे H2+Cl2 है, अगर हम सनलाइट डालेंगे तो रिएक्शन होगी और ट्वाइस HCl बनेगा। यहां पर हम रेट लिखें तो रेट प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। रेट ऑफ रिएक्शन H2Cl2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, और ये चीज हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, और भी अभी रीजन आपको समझा देंगे। रेट दिस इक्वल टू K और H2 का कंसंट्रेशन पावर 0, Cl2 का 0, ये 1 हो गया, तो रेट हमारे पास आ गया K। इसका मतलब इस प्रकार की रिएक्शन होंगी उसका रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना तेज हो सकती ना धीमी, एक यूनिफॉर्म रेट से हो रही। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन उसका कांस्टेंट। तो अब ये रिएक्शन कैसे क्या करें, जरा देखिए बात बताता हूं। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है यहां पे फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए फोटोकेमिकल रिएक्शन, जितनी फोटो केमिकल रिएक्शन होती है उनके लिए जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनल टू होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्यों? अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मान लो इंक्रीज हो गई, जो लाइट आप डाल रहे थे वो तेज लाइट उस पर डालने लगे, इंटेंसिटी बढ़ा दिया, तो अगर लाइट की इंटेंसिटी तुम बढ़ा दोगे
तो नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे। आप लोग जानते हो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि नंबर ऑफ जो फोटॉन है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ फोटॉन जब इंक्रीज हो जाएगा तो याद रखिए रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए बड़े मजे की बात, आपने कंटेनर लिया, मान लीजिए इसमें आपने H2 और Cl2 को भर लिया। अब इस पर क्या करेंगे कि ऐसे रिएक्शन तो ये होगी नहीं, अब इस पर लाइट को डालेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पर सेकंड इस कंटेनर में जो H2 और Cl2 है, पर सेकंड मान लीजिए कि 6 मॉलिक्यूल ये एक्टिवेट होते हैं। जो लाइट आप डाल रहे हो उस लाइट की वजह से 6 मॉलिक्यूल ये पर सेकंड एक्टिवेट होते हैं, तो 6 ही तो होंगे। अगर इसमें चाहे तुम H2 Cl2 के और चाहे जितनी डाल दो, चाहे जितना कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर दो और चाहे डिक्रीज कर दो, लेकिन पर सेकंड 6 मॉलिक्यूल ही एक्टिवेट होंगे। ये हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया, 6 मॉलिक्यूल ही एक्टिवेट होंगे। तो जब 6 मॉलिक्यूल ही एक्टिवेट होना है तो इस कंटेनर में चाहे H2 Cl2 का कंसंट्रेशन इतना हो चाहे इतना हो, लेकिन पर सेकंड तो 6 मॉलिक्यूल ही एक्टिवेट होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कांस्टेंट रहेगी। आप इनके कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कहां चेंज हो गई? हां, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है जब हम इंटेंसिटी को चेंज कर देंगे। लाइट जो हम डाल रहे हैं इस कंटेनर में उसकी इंटेंसिटी चेंज कर देंगे। देखिए यहां पे अगर आप इंटेंसिटी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज होंगे। और जब नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो जो नंबर ऑफ एक्टिवेट मॉलिक्यूल हैं उनकी संख्या इंक्रीज हो जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इंटेंसिटी पे डिपेंड है, ना कि इनके कंसंट्रेशन पे। इसलिए H2 और Cl2 की पावर हमने 0 लिख दिया और हमने कहा ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। बताइए समझ में आ गया? तो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें काफी कुछ रिएक्शन है, समझ लीजिए कि वो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। चलिए पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया। चलिए अब सेकंड एग्जांपल बता रहे हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लियर करके मैं आपको हर चीज को समझा रहा हूं विद रीजन। ये नहीं कि आप रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आप रट रहे हैं। देखिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल आया डिकम्पोजिशन लिख दो या हम डिसोसिएशन भी लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन या हम लिख दिया डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सरफेस ऑफ मेटल एट हाई टेम्परेचर। ये देखिए, यानी डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सरफेस ऑफ मेटल एट हाई टेम्परेचर। जैसे मतलब अमोनिया है और इसको आपने प्लेटिनम लिया और हाई टेम्परेचर ले लिया, तो ये आपका हाई टेम्परेचर पे N2+ H2 में डिसोसिएट हो जाएगा। इस तरीके से ट्वाइस NH3 डिसोसिएट हो गया N2+ ट्वाइस। लेकिन इस मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन तभी होगा जब ये मॉलिक्यूल प्लेटिनम की सरफेस पे एडजॉर्ब होगा। जैसे मान लीजिए ये आप प्लेटिनम का एक कोई पीस है, प्लेटिनम का टुकड़ा है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें सबसे पहले अमोनिया के मॉलिक्यूल आकर के इसके चारों तरफ एडजॉर्ब होगा तब हाई टेम्परेचर पे टूटेगा। तो मान लीजिए इस पार्टिकल ने जो आपका प्लेटिनम का एक पार्टिकल लिया है या पीस मान लीजिए, इसमें मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल इसमें एडजॉर्ब हो सकते हैं एनी सरफेस पे, तब 100 एडजॉर्ब हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और जब एडजॉर्ब होंगे तभी ब्रेक होंगे, तभी वो डिसोसिएट होंगे। तो 100 से ज्यादा जब एडजॉर्ब नहीं हो सकते हैं
तो आप यहां पर अमोनिया के चाहे इतनी मात्रा पूरी बढ़ा दो, चाहे इतना कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर दो, एडजॉर्ब तो 100 होंगे, वही टूटेंगे। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से फायदा क्या है? चाहे आप बढ़ाइए चाहे घटाइए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरफेस पे तो 100, ये तो हम कंसीडर करके आपको समझा रहा हूं, मान के समझा रहा हूं कि 100 इसके चारों तरफ एडजॉर्ब होंगे। जब 100 एडजॉर्ब होंगे तो 100 जब टूट जाएंगे तो 100 फिर एडजॉर्ब हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे फिर 100 एडजॉर्ब हो जाएंगे। 100 से ज्यादा तो नहीं होंगे, अगर कम ज्यादा एडजॉर्ब होते तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता। तो जब 100 ही एडजॉर्ब हो सकते हैं तो इस कंटेनर के यहां पर आप अमोनिया की चाहे इतने मॉलिक्यूल चेंज करो, कम करो ज्यादा करो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। हां, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है कम अगर हम इसका सरफेस एरिया इसके टुकड़े कर दें, इस प्लेटिनम के बहुत सारे टुकड़े कर दें तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो भाई प्लेटिनम कैटलिस्ट की वजह से हो रही ना, इसके कंसंट्रेशन से तो नहीं हो रही ना, इसलिए याद रखिए ये जीरो का आप इसे जीरो ऑर्डर ऑपरेशन। जितनी भी गैस हैं किसी मेटल के सरफेस पे जाकर के हाई टेम्परेचर पे अगर डिसोसिएट होती हैं तो याद रखिए वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर ऑपरेशन होती है, वो जीरो ऑर्डर ऑपरेशन होती है। इसका मतलब इसमें अगर हम रेट ला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू NH3 की पावर जीरो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं है, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ रेट अपनी यूनिफॉर्म में जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा रेट दिस इक्वल टू के, इसका वैल्यू 1 हो गया, लेकिन रेट कांस्टेंट हो गया। एग्जांपल नंबर 2 था। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखिए, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में जब हम जाएंगे, एग्जाम्पल 3 में जाएंगे तो एंजाइमेटिक या एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये ले लेता हूं एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं। तो वही तो बात यहां पर भी आ गई, एंजाइम्स की अगर मैकेनिज्म देखें तो एक थ्योरी है जिसे हम लॉक क्यू थ्योरी बोलते हैं, लॉक की। इसमें भी क्या होता है, रिएक्टेंट एंजाइम्स के सरफेस पर एडजॉर्ब होता है, तब उसकी रिएक्टिविटी चेंज होती है, तब वो आगे रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। तो जैसे आप लोगों ने सेकंड में कहा कि कोई गैस किसी मेटल के सरफेस पर डिकम्पोज हो रही है, तो उसी तरीके से बात यहां पर भी है, क्योंकि एंजाइम्स में सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्टेंट एंजाइम्स के सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर एंजाइम्स का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रिएक्शन रेट चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया तो फिक्स है, एंजाइम्स कितने मॉलिक्यूल को अपने में एडजॉर्ब कर सकता है, कितने मॉलिक्यूल जोड़ करके उसकी एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, वो तो फिक्स है। तो हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चाहे इतना इंक्रीज करो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरीके से 3 मैंने आप लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनाए बताए, जिन्हें आप समझ गए होंगे विद रीजन आप लोग समझ गए होंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। आप देखिए एक तो ग्राफ आपको समझा रहा हूं पहले, यहां पर ग्राफ तो कई है, जो जहां ग्राफ आएगा उसको हम आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। आपने ये पढ़ा कि रेट जो है ये इक्वल टू कांस्टेंट है और ये जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। तो अगर मान लीजिए हमने यहां पर ये रेट यहां पर ले लिया और इस एक्सेस में मैंने कंसंट्रेशन ले लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप बताइए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप इंक्रीज करते जाओ बढ़ाते जाओ, क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी ना? वो तो कांस्टेंट, इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल कांस्टेंट आपकी इस तरीके से है। ये ग्राफ कभी कभार करते क्या है, कैसे ग्राफ बना देते हैं, ऐसे बना दिया और आपसे कह दिया बताइए ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है।
क्योंकि फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, हर एक के लिए ऑर्डर ऑपरेशन जो ग्राफ बनेंगे वो सबके अलग अलग बनेंगे। तो जब सारी ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे तो काफी मिक्स होंगे, तो अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम लोग देखते देखते बता देंगे कि ये ग्राफ किसका है, किस ऑर्डर ऑपरेशन का है। तो इस तरीके से अगर हम और ग्राफ इसी में और प्लॉट करें, कंसंट्रेशन यहां रेट यहां पर ले लिया और दूसरी चीज मैंने यहां पे टाइम, टाइम सेकंड में जिसमें चाहो उसमें ले लो, टाइम ले लिया। तो देखिए जब रेट कांस्टेंट है टाइम का इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो रिएक्शन रेट इनिशियल स्टेट में रहेगा वही रेट आपका जो है मिडिल में आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जब कांस्टेंट है तो टाइम का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, चाहे आप टाइम बढ़े चाहे घटे, और वो रेट ऑपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस तरीके से रिएक्शन कांस्टेंट है। हाँ, एक कंडीशन आएगी कि रिएक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ऐसे यहां से ऐसे गई और जाने के बाद ऐसे जाकर के जीरो। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन आएगा ना, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, एक टाइम आएगा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्टेंट खत्म हो गया, तो रिएक्शन फिर कहां से होगी। तो इस तरीके से रेट इक्वल चला 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 और इसके बाद एक कंडीशन आई कि रेट जीरो। क्यों रेट जीरो हो गया? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन खत्म, यानी रिएक्शन फिनिश, रिएक्शन फिनिश हो गई। तो इस तरीके से दो ग्राफ मैंने आप लोग को यहां पे समझाए, रेट और कंसंट्रेशन में, रेट और टाइम में। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में आता है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर ऑपरेशन और फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन, दो ऑर्डर ऑपरेशन सिलेबस में है, इन्हें आपको डिटेल पढ़ना, जिसमें से फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो से भी क्वेश्चन आते हैं इस सिलेबस में है, लेकिन इतने ज्यादा क्वेश्चन जीरो से नहीं आते हैं जितने फर्स्ट से आते हैं। तो चलिए देखिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताएं जीरो ऑर्डर ऑपरेशन के लिए। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहां पे आर एक कोई रिएक्टेंट हो गया और ये ऐसे प्रोडक्ट में बदल गया, थोड़ा सा यहां पे हमने मान लिया लेट ये आर जो है इसको हमने माना आर नॉट ले लिया, मैंने आर नॉट ये ले लिया, ये आर नॉट हमारा है इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है इनिशियल, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसके बाद आर, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकंड, यानी कुछ समय के बाद कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, तो फिर रिएक्टेंट कितना बचा वो है, यानी इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकंड, यानी टी सेकंड के बाद कितना उसका कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहां पर ये हमने इतना कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखेंगे, तो रेट लिखेंगे तो रेट प्रोपोर्शनल टू आर की पावर जीरो लिख देंगे। आर की पावर जीरो हम लोगों ने क्यों कहा? क्योंकि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं। या हमने लिख दिया रेट दिस इक्वल टू के हो गया इक्वेशन नंबर वन हो गया, प्रोपोर्शनल इक्वल में के, के रेट कांस्टेंट कहलाता है, ये हो गया। अच्छा, एक रेट हम लोग और भी लिख सकते हैं जो वीडियो नंबर वन में मैंने आपको बताया था लेक्चर में, अगर हम चाहें तो रेट इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट दिस इक्वल टू, बताओ इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ ये अपीयरेंस होता है, तो डिसअपीयरेंस क्या होगा, माइनस डी आर,
अपॉन क्या हो जाएगा dt, ये भी रेट है, हम ये भी रेट इस इक्वेशन से लिख सकते हैं और ये भी रेट लिख सकते हैं, दोनों एक ही रिएक्शन की रेट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेट है तो ये इक्वल कर सकते हैं, दोनों क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, तो बताइए जब इक्वल हम लोग कर देंगे, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से माइनस डी आर अपॉन डी टी, दिस इक्वल टू के हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब डी टी को इधर ले गए, ये माइनस साइन भी उधर ले गए, बताइए क्या आ जाएगा, चलिए हम लिखता हूं पहले डी आर दिस इक्वल टू के और इसके बाद डी टी माइनस वी, मल्टीप्लाई कर दिया उधर माइनस आ जाएगा, डी आर दिस इक्वल टू माइनस के डी टी, इक्वेशन नंबर थ्री आ गया। अब इस इक्वेशन नंबर थ्री का हम इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर थ्री, थ्री का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो डी आर दिस इक्वल टू माइनस के डी टी, अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लोगे तो कितना आएगा आर, क्या आ गया आर दिस इक्वल टू, देखिए माइनस के हम बाहर ले आए और dt का इंटीग्रेशन आप लेंगे तो यहां पे t आ जाएगा और इसके बाद प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i होगा, i कौन लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर हम लोग इसे देंगे 4, जहां पर i इसे बोलेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप देखिए इफ t इक्वल टू, अगर हम मान लो जीरो कर लेते हैं, देन ये r इक्वल टू जो हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा r नॉट, इसका मतलब t इक्वल टू जीरो तो r ये आफ्टर t सेकंड के बाद का कंसंट्रेशन है और t आपका जीरो हो गया तो इसका मतलब जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। देखिए r नॉट ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर, तो जब t जीरो होगा तो ये r जो होता है बचा हुआ जो कंसंट्रेशन है आफ्टर t सेकंड ये इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा, तो यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो जब 4 में रखेंगे तो r के प्लेस पे हम रखेंगे r नॉट और यहां पर देखिए आपका माइनस kt हो गया और इस प्लेस पे इसके स्थान पे रखेंगे जीरो प्लस आर, क्योंकि टी जीरो हो गया, एक प्लेस पे हम रखेंगे आर नॉट, टी के प्लेस पे जीरो, तो आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आर नॉट, इसी आई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम 4 में रख देंगे, वैल्यू ऑफ आई पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा r दिस इक्वल टू माइनस के टी और यहां पे प्लस r नॉट, i के प्लेस पे हमने r नॉट को रख दिया, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे और इसके बाद इसको अगर चाहें तो इसको इधर ले आए उसको उधर ले जाएं, तो यहां पर के टी हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आर नॉट माइनस आर, ये हो जाएगा और के इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट निकालेंगे तो आर नॉट माइनस आर अपॉन हो जाएगा टी, ये आपके लिए एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल गई। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे पास कौन आ गई, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हमें मिली वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है के इक्वल टू, के इक्वल टू आपके पास आर नॉट माइनस आर और अपॉन टी, ये एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया जीरो ऑर्डर ऑपरेशन के लिए। अब देखिए यहां पे ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये आफ्टर टी सेकंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है,
ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये आफ्टर 30 सेकंड के बाद यानी जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा है। तो इनिशियल से अगर बचे हुए के कंसंट्रेशन को अगर आप माइनस कर देंगे तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आ जाएगा। यानी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो कि k इक्वल टू x अपॉन t, जहां x क्या है कि x जो है प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट x है। तो ये क्वेश्चन और आपके पास एक ही क्वेश्चन ये 5 नीचे वाले, ये सारी क्वेश्चन आपकी बिल्कुल एक ही है। तो अब हम इसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अच्छा, अब इसे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं और दूसरी चीज यूनिट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया। तो आगे देखिए, यहां पर यूनिट निकालता हूं। तो यूनिट में इस इक्वेशन से यूनिट निकालेंगे, k इक्वल टू देखिए कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, तो इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर अपॉन टी हो गया, टी को हम ले लेते हैं सेकंड, तो k इक्वल टू हमारे पास मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑपरेशन के लिए के की यूनिट हो गई। और एक हम लोग फंडा जानते हैं, पीछे बताया था ये था 1 माइनस n, इस तरीके से 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, इससे हम लोग निकालते थे। अब जीरो ऑर्डर ऑपरेशन के लिए n के प्लेस पे हम जीरो रख देंगे, जीरो रखोगे यहां भी जीरो रखोगे, तो जीरो रखोगे तो ये मोल आ जाएगा, ये लीटर इनवर्स आ जाएगा और सेकंड आ जाएगा। तो हम लोग इस फंडे से निकाल लें, चाहे इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से निकाल लें, के की यूनिट हमारी सेम आ जाएगी। अब हम लोग एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए ग्राफ को हम प्लॉट कर रहे हैं इसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को अभी जो हमने डिराइव किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में था r दिस इक्वल टू माइनस kt प्लस r नॉट, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखिए जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। एक इक्वेशन है जिसे हम लोग जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, इस इक्वेशन का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, तो आर तुम्हारा वाई एक्सिस में हो गया, ठीक। एक्स एक्सिस में कौन हो गया, टी हो गया। ये जो होता है ये स्लोप को शो करता है, ये जो सी होता है ये इंटरसेप्ट को शो करता है। ये एक्स एक्सिस की यूनिट हो गई, ये वाई एक्सिस की यूनिट हो गई, ये एक्स एक्सिस के लिए हो गई। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये देखिए यहां पे y एक्सिस हो गया और इसके बाद ये ग्राफ ऐसे ये x एक्सिस के लिए हो गया। बताइए y एक्सिस में कौन है, r, तो यहां पे हम r ले लेंगे, इस तरीके से r होगा। x एक्सिस में कौन है, t, तो यहां पे हमने t ले लिया, यानी t का मतलब टाइम t हो गया, ठीक। अच्छा इसके बाद देखिए ये आपका स्लोप है और ये स्लोप किसमें आ रहा, माइनस की, यानी माइनस में आ रहा है। जब स्लोप माइनस में होता है तो ग्राफ लाइन नीचे को जाती है, ग्राफ लाइन नीचे को जाएगी तो उसका स्लोप माइनस में होता है, और जब ग्राफ लाइन ऊपर की ओर जाती है तो जो इसका स्लोप होता है इसका पॉजिटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है। ये देखिए स्लोप है,
यहां पे आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये माइनस के है। माइनस के का मतलब ये स्लोप लाइन जो ग्राफ लाइन होगी वो ऐसे नीचे को आएगी, नीचे आ जाएगी। इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप इक्वल टू होगा टेन थीटा, दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, माइनस के ये आपका ये एंगल दिया जाएगा जो ये होगा, इस थीटा को हम लोग यूज करेंगे। और ये पूरा इंटरसेप्ट देखिए सी क्या है, सी इंटरसेप्ट है और सी के प्लेस पे आर नॉट लिखा है, तो ये इंटरसेप्ट हो गया। तो इसका मतलब ये इंटरसेप्ट यहां से लेकर के यहां तक गए, अर्थात यहां इस पॉइंट पे तुम्हारा ये आर नॉट हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखिए टाइम यहां पर जीरो होगा तो ये जो कंसंट्रेशन इनिशियल हो गया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, देखिए टाइम बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन ये आया फिर ये आया फिर ये आया, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर टी सेकंड। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ेगा तो देखिए इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है, ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है और यहां तक आते आते इसका कंसंट्रेशन जीरो घट गया, जीरो हो गया अर्थात रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज्यादा कई बार क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ये कोई मतलब ग्राफ दे देते हैं और आपसे कहते हैं आप बताइए ये कौन ऑर्डर ऑफ किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ है। इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी जब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे तो वहां पर भी इसको अप्लाई करके बहुत सारे ग्राफ ग्राफ जितने भी होते हैं इसी से बनते हैं। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ठीक है ये का। अब जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है और ये बोर्ड में 2014 में क्वेश्चन आया था, जरा देखिए इसी ग्राफ पे क्वेश्चन था, जरा उस ग्राफ को समझिए किस तरीके से क्वेश्चन था। ये था एग्जाम्पलर एनसीईआरटी और 2014 में क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आया था। एक कोई रिएक्शन दी थी, यहां पे रिएक्शन या रिएक्टेंट दे दिया और दिस चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये था इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। और ग्राफ से रिप्रेजेंटेट किया गया और एक ग्राफ बना दिया ऐसे, यहां पे आर ले लिया, यहां पे टाइम ले लिया, यहां पे आर नॉट ले लिया ये, और इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे बना दिया। और इसी ग्राफ से कुछ क्वेश्चन पूछ दिए, जैसे नंबर वन प्रिडिक्ट, आप प्रिडिक्ट करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करें कि ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और व्हाट डज स्लोप, व्हाट डज स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा पॉइंट इसमें था कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये क्वेश्चन 2014 में आया था, एग्जाम्पल में क्वेश्चन फिट है रखा हुआ है। तो देखिए आप आर टाइम के बीच और ये आर नॉट और स्लोप जानते हो तो ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, देख करके अभी बताया तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट डज स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है माइनस के की वैल्यू, क्या रिप्रेजेंट करता है माइनस के की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, अभी बताया। यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट कौन सा है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट मैंने आपको बताया था अभी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। और एक बात और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये जो यूनिट आपकी है यही यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की भी होती है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है यही यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में और कई जगह आया है कि रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो आप फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी किसी रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बराबर है तो आप ऑर्डर बताइए कौन होगी, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की, वही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये निकाल लिया, ग्राफ भी बना लिया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अब दूसरी बात आती है हाफ लाइफ पीरियड। हम लोग पास हाफ लाइफ पीरियड की बात आती है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या है, टाइम है, द टाइम इन विच, आप कह सकते हो टाइम इन विच, इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50% इज कॉल्ड हाफ लाइफ। आप उसे हाफ लाइफ, इसको हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी सफिक्स में हाफ दे दीजिए, यानी टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50% इज कॉल्ड हाफ लाइफ। यानी आप ये कहेंगे कि वो टाइम जिसमें कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, यानी आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्ट बन जाए, 50% प्रोडक्ट बन जाए और 50% जो है रिएक्टेंट रह जाए, तो उसको हम हाफ लाइफ कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर आपके सामने ये रिएक्शन है के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी हो गया, क्वेश्चन नंबर वन। मान लीजिए इफ टी को हमने टी हाफ कर दिया, यानी टाइम को टी हाफ की इक्वल मान लिया, आपने कहा था टी समय के बाद रिएक्टेंट कितना है, आर बचा, इतने तो बचा, अगर हम टी हाफ कर दें तो रिएक्टेंट आर नॉट बाई टू हो जाएगा, क्यों, टी हाफ का मतलब जो इनिशियल है आर नॉट उसका हाफ प्रोडक्ट में बदल गया आर नॉट बाई टू और आधा बच गया। तो अगर हम t इक्वल टू t हाफ कर देंगे तो r इक्वल टू हमारा हो जाएगा r नॉट बाई टू। अरे देखिए जब टाइम t था तो बचा हुआ प्रोडक्ट r था, बचा हुआ रिएक्टेंट r था, बचा हुआ रिएक्टेंट r था, लेकिन जब t हाफ हो जाएगा तो बचा हुआ जो रिएक्टेंट होगा वो इनिशियल का हाफ हो जाएगा और आधा प्रोडक्ट बदल जाएगा। वही तो आपने अभी हाफ लाइफ पे पढ़ा है कि वो टाइम है जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या रखेंगे बोलो, के आर नॉट हो जाएगा माइनस आर नॉट बाई टू हो जाएगा, देखो ना आर के प्लेस पे आर नॉट बाई टू रखना पड़ेगा और टी के प्लेस पे टी हाफ, टी के प्लेस पे टी हाफ रखना पड़ेगा, ये वैल्यू हमने यहां पर रख दिया, टी के प्लेस पे ये रखा और आर के प्लेस पे आर नॉट बाई टू रख दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो आर नॉट से आर नॉट बाई टू जाएगा तो हमारे पास के इक्वल टू आ जाएगा आर नॉट बाई टू टी हाफ, या टी हाफ दिस इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट बाई टू के। ये देखिए आपके पास रिलेशनशिप आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और ये टू और के क्या है, कांस्टेंट है, तो टी हाफ दिस इक्वल टू हमारे पास जो बचेगा वो आएगा, ये प्रोपोर्शनल टू लिख देता हूं क्या आर नॉट। इसलिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स आ गया कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ पीरियड है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम इसी में ग्राफ खींचे, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ, इसका भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। देखिए इसको हमने इस इक्वेशन को लिख दिया, देखिए ग्राफ दिया, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आर नॉट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो स्ट्रेट लाइन जाएगी। देखिए हमारे पास टी हाफ दिस इक्वल टू वन अपॉन टू के आ गया और यहां पे r नॉट आ गया, हमारे पास y इक्वल टू क्या है बताओ, mx प्लस c, ये y एक्सिस में हो गया,
एक्स एक्सिस में हो गया, एक्स एक्सिस में आर नॉट हो गया, और यहां देखिए प्लस जीरो लिख दे कोई दिक्कत, तो यहां पे इंटरसेप्ट आपका जीरो होगा, यहां प्लस जीरो लिख दे कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे आपका ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है, और ये तुम्हारा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो इसलिए हम ग्राफ जब बनाएंगे ऐसे स्ट्रेट चाहे, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, और वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे, टी हाफ, ये टी हाफ ले लिया, और एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, आर नॉट ले लेंगे, बहुत सही, और इसके बाद ये हमारा स्लोप है, इंटरसेप्ट जीरो है, इसलिए ग्राफ लाइन ऐसे जाएगी। यहां पे देखिए इंटरसेप्ट जीरो है, और ये यहां पर आपका थीटा, यहां पे स्लोप हमारा जो आ जाएगा ये इक्वल टू टेन थीटा आएगा, और दिस इक्वल टू वैल्यू 1/2 की आएगी, 1/2 की, ये हमारा स्लोप है 1/2, ये आपके पास टेन थीटा दिया जाएगा। ये भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, इस तरीके से बनाने को भी दे सकते हैं, और इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, और आपसे कह सकते बताइए कि ये कौन सी ऑर्डर ऑपरेशन है, किस ऑर्डर ऑपरेशन का ये ग्राफ है, आप इसे बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाफ लाइफ भी समझ गए, हाफ लाइफ के बाद आता है आप लोगों का लाइफ टाइम, एक लाइफ टाइम भी इसी में जुड़ता है, जरा उसके बारे में समझिए थोड़ा सा। लाइफ टाइम का मतलब जो है रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम क्या है, टाइम, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 100%, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए इज कॉल्ड लाइफ टाइम, हम इसे लाइफ टाइम बोलेंगे, अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो लाइफ टाइम बोलेंगे। चलिए हमारे पास इक्वेशन ये है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन हम लोगों ने इसे पढ़ा, इक्वेशन नंबर 1, अब मान लीजिए हमने यहां पे टी इक्वल टू टी अलाउ कर दिया लाइफ टाइम, अगर टी तो टी में कंसंट्रेशन क्या था, आर, आर बचा था, लेकिन लाइफ में क्या हुआ, लाइफ टाइम में ये जीरो, क्यों बचेगा, खत्म, रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई ना, तो जब 100% कंप्लीट हो गई और ये आर होता क्या है, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेड आफ्टर टी से, तो बचे नहीं, वो तो 100% कंप्लीट हो गई, तो प्रोडक्ट बन गया, तो इसलिए आर इक्वल टू हमारा। आप बताइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे कि हो गया यहां पे आर नॉट हो गया माइनस जीरो अपॉन यहां पे टी एल एफ हो गया, या इसी को लिख देंगे के इक्वल टू आर नॉट अपॉन हमारा हो गया टी एल एफ, टी ये इक्वेशन हो गया, या टी एल एफ ये हो जाएगा आर नॉट, आर नॉट अपॉन के या टी एलफ प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, ये बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे, उसमें क्या था यहां पे टू लग गया था तो टी हाफ हो गया था, और यहां पे टू नहीं रहेगा तो ये लाइफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर ऑपरेशन के कुछ पॉइंट्स और भी समझ लेता हूं। जैसे हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखा, इसी रिएक्शन से एक क्वेश्चन बना लेता हूं, नंबर 1 ए चेंज टू प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन बना लेता, ए चेंज टू प्रोडक्ट टू बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, और इसके बाद इसमें कहा गया इफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट इज 4 मिनट, 4
मिनट. फाइंड टाइम टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीट कंप्लीट ऑपरेशन यानी 75% रिएक्शन को कंप्लीट में कितना टाइम है. देखो ये रिएक्शन है और इसने कह दिया जीरो ऑर्डर ऑपरेशन है तो भी जीरो ऑर्डर ऑपरेशन ठीक. इफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट इन 4 मिनट, 4 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीट. तो बताइए हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑपरेशन है तो की इक्वल टू हमारे पास हो गया आर नॉट माइनस R अपॉन T. ये रेट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड. चलिए K इक्वल टू इसको देखिए परसेंटेज में कंप्लीट करा 50% कंप्लीट हो गई तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लिया. अब ये बताइए आफ्टर T सेकंड यानी T सेकंड के बाद बचा हुआ है तो 50% जब कंप्लीट हो गई तो बचा कितना 50% की हो गया 50 अपॉन हो गया T. T कितना है टी फोर है तो यहां 4 दिया तो बताओ के इक्वल टू हमारा कितना आ गया 50/4 इक्वेशन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई. बताइए कोई प्रॉब्लम. अच्छा आगे बढ़े आगे इसमें बढ़े फाइंड द कंप्लीट टाइम 75% के की वैल्यू निकाल लिया फिर इस इक्वेशन को हम लोगों ने फिट किया और यहां पर अब के तो वही होगा क्योंकि रिएक्शन वही है ये फिर 100 हो गया माइनस. अब कितना 75% कंप्लीट तो बताइए जब 75% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 25 यहां 25 बचा और अपॉन टी हो गया. अब के कितना आ गया के आ गया यहां पे 75 अपॉन टी आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ठीक है यानी 75% कंप्लीट हो गया तो जब कंप्लीट हो गया तो बचा तुम्हारा 25 माइनस क्या 75. अब दोनों क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि K की वैल्यू तो सेम है क्योंकि रिएक्शन सेम है तो K की जो वैल्यू सेम है तो आप इक्वल कर देंगे तो यहां 50/4 आया दिस इक्वल टू 75/T आ गया जो तो दोनों के एक 4 है ये वैल्यू आ गई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 75/4 अपॉन हो गया 50. टी इक्वल टू निकालेंगे तो देखिए यहां से काटेंगे 25 से काट दीजिए तो 2 आ गया और यहां पे 3 आ गया ये इससे काट दिया तो यहां से आपका ये कटा तो आपका आ गया कितना 2 और 2 का यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 6 मिनट में कंप्लीट 6 मिनट में हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर हो गया. देखिए 50% कंप्लीट हो रही 4 में ठीक है 4 में 50% तो 50 कंप्लीट हो गया तो 50 बच गया इससे किया तो 50/4 हो गया. दूसरा एक क्वेश्चन 75% कंप्लीट 25 इसे किया 70 दोनों को कुल कर दिया सॉल्व कर लिया टी इक्वल टू 6 मिनट आ गया. क्लियर हो गया. अच्छा अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको और समझा रहा हूं इसे भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा. ये पॉइंट ये है कि देखिए अगर डाटा दिया होता है तो डाटा से हम लोग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन भी कंप्लीट निकालते हैं. जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख दिया फॉर रिएक्शन कोई रिएक्शन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीट ये 20% कंप्लीट हो रही है कितने में 4 मिनट में 4 मिनट ठीक एंड 40% कंप्लीट 40% कंप्लीट इन
8 मिनट. तो फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके साथ है. मतलब कह रहा है कि अगर रिएक्शन टाइम फॉर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीट इन 4 मिनट एंड 40% कंप्लीट इन 8 मिनट, तो फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपको फाइंड आउट करना है. तो देखिए क्या करते हैं कि हम लोग एक आगे एक वो बनेगा लेक्चर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो उसमें एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड है जिससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे. इसमें क्या होता है, कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसके डाटा दिए जाते हैं और उससे हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं. अगर हर डाटा से रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है दोनों डाटा से तीनों डाटा से, तो वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करती है. जैसे देखिए यहां पे दो एक्सपेरिमेंट किए गए. एक में कह रहा है कि 20% कंप्लीट होता है 4 मिनट में, फिर 40% कंप्लीट होता है 8 मिनट में. दोनों डाटा दिया है, सब कुछ दिया है, कह रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ. तो अभी हम सेकंड थर्ड तो पढ़े नहीं, हमने तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ाया है. तो जीरो ऑर्डर वाली जीरो है इंटीग्रेटेड इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे. तो देखिए अप्लाई कर रहा हूं, k इक्वल टू हमारे पास आ गया r नॉट माइनस r अपॉन t होता है. तो k इक्वल टू r नॉट कितना मान लिया 100. अब कह रहा है 20% कंप्लीट, तो बताओ 20% जब कंप्लीट हुआ तो बचा कितना, कितना बचा 80 बचा. 20% तो कंप्लीट हो गया, तो ये 80 बचा और टाइम हो गया 4. तो k इक्वल टू आपका आ गया यहां पे 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5. जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो मूल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ गए. अब ये एक्सपेरिमेंट पहला था, अब दूसरे में निकालेंगे फिर वही फॉर्मूला आर नॉट और आर अपॉन टी, ये फिर 100 हो गया. अब कितना 40% कंप्लीट हो गया, 40% जब कंप्लीट हो गया बचा कितना 60 और यहां पर 8. इसे सॉल्व करेंगे 40 अपॉन 8, ये भी देखिए 5 आ गया, ये भी देखिए 5, यहां पर भी 5 आया. यानी रेट कॉन्स्टेंट दोनों एक्सपेरिमेंट करने पर रेट कांस्टेंट कांस्टेंट आया. जो वैल्यू फर्स्ट इसमें आई वही सेकंड में आई, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर ऑपरेशन का डाटा.